दोस्तों नमस्कार, ये आज हमारा अगला वीडियो है गैल्वेनोमीटर। ये हायर इंजीनियरिंग क्लासेस में और बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज हम किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर और अमीटर में यही डिफरेंस है। अमीटर का यूज होता है किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर का यूज होता है किसी भी सर्किट में करंट का पता लगाया जाता है कि करंट उसमें फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ इस चीज का पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर में। और अमीटर में करंट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की जाती है। गैल्वेनोमीटर के कई टाइप होते हैं, उनमें से आज हम डिस्कस कर रहे हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली। एक होता है मूविंग मैग्नेटिक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर और एक होता है मूविंग क्वाइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो आज हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं मूविंग क्वाइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में। तो बैलिस्टिक गैल्विनोमीटर ये एक स्पेशल टाइप का गैल्विनोमीटर होता है। नॉर्मल गैल्विनोमीटर में करंट का इंडिकेशन फाइंड किया जाता है, लेकिन बैलिस्टिक गैल्विनोमीटर का जो सेंसिटिविटी होती है वो नॉर्मल गैल्विनोमीटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। बैलिस्टिक गैल्विनोमीटर के द्वारा हम किसी भी सर्किट में चार्ज के फ्लो होने का, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इसकी क्वांटिटी को हम पता लगाते हैं। बैलिस्टिक गैल्विनोमीटर में दोस्तों हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी सर्किट में चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है, चार्ज फ्लो के बारे में हम पता लगाते हैं। इसका कुछ प्रिंसिपल इस तरह से है दोस्तों कि जो बैलिस्टिक गैल्विनोमीटर होता है ये क्वाइल के डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, और ये जो क्वाइल का डिफ्लेक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। कौन सा चार्ज? जो कि सर्किट में पास हो रहा है, जो कि चार्ज सर्किट में फ्लो हो रहा है उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गैल्विनोमीटर में का हम यूज क्या करते हैं? गैल्विनोमीटर मेजर्स द मेजॉरिटी ऑफ द चार्जेज पासेस थ्रू इट। मतलब गैल्विनोमीटर से जितना चार्ज पास हो रहा है या सर्किट से कितना जितना चार्ज पास हो रहा है गैल्विनोमीटर उसको मेजर करता है। इसमें करंट की जगह हम किसका मेजर करते हैं? चार्ज का। अब इसका कंस्ट्रक्शन दोस्तों देखेंगे। इसका जो डायग्राम है वीडियो के लास्ट में आपको दिखाया गया है, अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन बताते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दोस्तों कि ये जो बैलिस्टिक गैल्विनोमीटर है ये कॉपर वायर के क्वाइल से मिलके बना होता है। इसमें बहुत सारे कॉपर वायर के वाउंड टर्न होते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न होते हैं। मतलब क्वाइल में जो कि एक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम या इंसुलेटर हो सकता है उसमें कॉपर वायर बाउंड रहता है और उसके बहुत सारे टर्न हो सकते हैं। मतलब उसमें कई सारे फेरे हो सकते हैं, बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं। और इसमें द फास्फोरस ब्रांच सस्पेंड्स द क्वाइल बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और फास्फोरस ब्रांच के थ्रू ये क्वाइल जो है मैग्नेटिक पोल जो कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है दोनों के बीच में सस्पेंड मतलब लटका रहता है। फॉर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स आयरन कोर प्लेसेस विद इन द कोर। हम मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए जो क्वाइल को है वो हमने क्या बोलते हैं जो आयरन कोर के फॉर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स द आयरन कोर प्लेस विद इन द कोर। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाने के लिए जो आयरन कोर होता है वो जो है कोर के बीच में रखा जाता है। द लोअर पोर्शन ऑफ द क्वाइल कन्वर्ट्स विद इन द स्प्रिंग। जो क्वाइल का लोअर पार्ट होता है वो स्प्रिंग से कनेक्ट रहता है और ये स्प्रिंग क्वाइल के लिए एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। टॉर्क आप जानते होंगे दोस्तों कि जब कोई एंगुलर फॉर्म में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब अपने प्रीवियस पोजीशन पे वो लौट आने के लिए जो फोर्स लगता है वो रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। जब चार्ज गैल्विनोमीटर के थ्रू पास होता है तो जो क्वाइल है वो मूविंग करना स्टार्ट हो जाता है और उसमें इंपल्स लगता है। इंपल्स का मतलब होता है दोस्तों फोर्स इनटू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में फोर्स कितना होगा ये उसमें लगता है।
द इम्पल्स ऑफ द क्वाइल इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. जो क्वाइल का इम्पल्स होता है वह चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है. इम्पल्स समझ गए होंगे दोस्तों, हिंदी में उसको बोलते हैं आवेग. तो आवेग इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम. मतलब कम टाइम अगर होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और अगर टाइम अधिक होगा तो फोर्स कम लगेगा. द एक्चुअल रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर अचीव बाय यूजिंग द क्वाइल हैविंग अ हाई मोमेंट ऑफ इनर्सिया. इसमें जो क्वाइल का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो हाई होता है. क्यों होता है दोस्तों? यदि क्वाइल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा होगा तो उसमें जो ऑसिलेशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो ज्यादा ऑसिलेट करेगा, और जो उसकी रीडिंग मिलेगी वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी. इसमें एक मिरर लगाया जाता है. मिरर जो है ये क्वाइल में टाइटली बाउंड होता है, और इसके थ्रू हम रीडिंग को जो उसमें रीडिंग होती है या जो उसमें उसका जो मूवमेंट होता है, जो उसमें स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है, उसको हम रीड करते हैं. इसमें इसका जो पूरा अरेंजमेंट है वो एक मेटेलिक बॉक्स के अंदर रखा जाता है, विच हैज ए ग्लास विंडो एंड लेवलिंग स्क्रू. जो कि लेवलिंग स्क्रू के जो कि स्क्रू के द्वारा उसको लेवल किया जाता है. गैल्वेनोमीटर का जो पीरियोडिक टाइम है वो लार्ज रखा जाता है एज कंपेयर टू चार्ज पासेस. मतलब जितना उसमें चार्ज पास हो रहा है उसकी तुलना में गैल्वेनोमीटर का जो पीरियोडिक टाइम है वो ज्यादा रखा जाता है. अब इसको दोस्तों देखेंगे एक थ्योरेटिकल पार्ट्स क्या हो सकता है, जो कि इसका डेरिवेशन है. हम मान लेते हैं कोई एक क्वाइल है जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉपर वायर के, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है. हम मान लेते हैं रॉड की जो लेंथ है वो एल है, और जो ब्रिथ है वो कितना हो गया बी. तो जो क्वाइल का एरिया होगा ए इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रिथ. अब जब करंट उसमें पास होगा, क्वाइल के थ्रू जब करंट पास होगा तो उसमें टॉर्क काम करेगा. टॉर्क मतलब हो गया वो जब रोटेट करने की कोशिश करता है, तब जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोस्तों, ये टाउ का साइन है, टाउ टॉर्क से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हो जाएगा एन आई बी ए. टॉर्क का फार्मूला हो जाएगा एन आई बी ए, जहां पे आई दोस्तों करंट है जो कि फ्लो हो रहा है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ए जो है एरिया है, क्वाइल का एरिया है. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ये कहलाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये हो गया आई करंट, और ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये कहलाएगा आपका टॉर्क. अब हम मान लेते हैं जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है क्वाइल के थ्रू, उसका ड्यूरेशन कितना है डीटी. तब जो एंगुलर इंपल्स होगा, तो इंपल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, लेकिन जो एंगुलर इंपल्स है एंगुलर इंपल्स का फार्मूला हो जाएगा टॉर्क इंटू डिस्टेंस, और टॉर्क इंटू डिस्टेंस में टाउ इंटू डीटी हो जाएगा, और यहां से टाउ की वैल्यू पुट कर दिया गया है. अगर हम टोटल क्वाइल में से ये मान के चले कि करंट टी समय के लिए पास हो रहा है, तो जो टोटल एंगुलर इंपल्स है उसको जीरो से टी के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां आई डी टी हो जाएगा, और आई डी टी होगा चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू टाइम, जो कि वो सॉरी करंट इंटू टाइम, जो कि चार्ज के बराबर हो जाएगा. यह हो जाएगा एन ए बी क्यू. यहां क्यू क्या है? टोटल चार्ज है जो कि क्वाइल के थ्रू पास हो रहा है. अब अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो तो जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई इंटू ओमेगा. आई क्या है दोस्तों? मोमेंट ऑफ इनर्सिया. जैसे कि एंगुलर जैसे लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी. अब क्वाइल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वाइल पे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. तो इस तरह से आई ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए क्यू इक्वेशन फोर के अकॉर्डिंग, इक्वेशन फोर फाइव, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो इस तरह से दोस्तों यदि हम देखते हैं कि क्वाइल की जो फाइनल काइनेटिक फाइनल पोजिशन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी, और इनिशियल की जो एनर्जी है वो होगी काइनेटिक एनर्जी, नॉर्मली होता है फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर. तो मास की जगह हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और भी की जगह हो गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर यहां ओमेगा जीरो भी हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर ही नॉर्मली होगा क्योंकि यहां पे ओमेगा लिखा हुआ है. दिस इनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग वर्क इन ट्विस्टिंग द सस्पेंशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. और इस इनर्जी के द्वारा जो उसमें
इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगा, उसमें सस्पेंशन होगा, जो लटका हुआ सस्पेंस हो गया उसमें ट्विस्ट होगा। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का यूज क्या होगा, ये एनर्जी जो उसमें सस्पेंशन होगा, जो कि उसमें क्वाइल लटक रहा है दोनों पोल के बीच में, उसमें ट्विस्टिंग होगा, मतलब उसमें मोड़ हो जाएगा, वो थोड़ा हिलेगा, ट्विस्ट होगा, ऑसिलेट होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि लेट सी बी द रिस्टोरिंग कपलिंग पर ट्विस्ट। अब पर यूनिट ट्विस्ट के लिए अगर जो रिस्टोरिंग कपल है वो कितना है, सी है, तब थीटा एंगल के लिए जो कपल हो जाएगा वो हो जाएगा सी थीटा। और इस तरह से अगर हम डी थीटा सस्पेंशन की बात, रोटेटिंग द पोजीशन इन रोटेटिंग द सस्पेंशन डी थीटा, अगर सस्पेंशन के रोटेट में यदि हम बात करें तो वर्कडन हो जाएगा सी थीटा इंटू डी थीटा। तो टोटल वर्कडन ट्विस्टिंग में जो सस्पेंशन है वो, उसको ट्विस्ट होने में जो टोटल वर्कडन हो जाएगा थीटा वन से, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों सी थीटा डी थीटा एक बटे दो सी थीटा वन स्क्वायर। यहां थीटा होगा। अब थीटा वन क्या है, फाइनल ट्विस्ट ऑफ द फर्स्ट थ्रो ऑफ क्वाइल, क्वाइल का फाइनल ट्विस्ट होगा। दोस्तों डायग्राम से समझ में आएगा, ट्विस्ट का मतलब हो गया वो जो क्वाइल जो है, जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो मूव करता है वो कितना मूव करेगा वो ट्विस्ट कहलाएगा। तो इस तरह से ट्विस्ट में जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो इस तरह से हो गया वन बाई टी सी सी थीटा वन स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से वन अपॉन टू से वन अपॉन टू कैंसिल हो गया तो ये आ गया। अब अगर टी जो है टाइम पीरियड है, जो क्वाइल वाइब्रेट हो रहा है ओसिलेट हो रहा है, अगर उसका टाइम पीरियड टी है तो टी इक्वल टू हो जाएगा टू पाई रूट आई अपॉन सी। यहां से हम इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके आई की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस आई की वैल्यू को हम इक्वेशन सिक्स में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम पहले इसके क्या करेंगे, इधर भी आई को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी आई को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहां जो आई को मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां हमने आई की वैल्यू पुट कर दिया। अब तो दोस्तों सभी इसमें पैरामीटर का स्क्वायर है तो इसलिए हम आई ओमेगा जब निकालेंगे तो हो जाएगा सी टी थीटा वन अपॉन टू पाई, सबका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब आई ओमेगा की वैल्यू ये है। अब फ्रॉम इक्वेशन फाइव ए में हम देखते हैं कि आई ओमेगा एन बी ए क्यू इक्वल टू होते हैं आई ओमेगा, तो यहां पे हमने आई ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिया है और यहां से हमने निकाल लिया है क्यू चार्ज, क्यू हमने चार्ज निकाल लिया है। दोस्तों यहां पे हम क्या केवन को क्या सी अपॉन एन बी ए इक्वल टू केवन ले सकते हैं और ये हो जाएगा आपका टी अपॉन टू पाई थीटा वन, लेकिन किसी किसी बुक में डायरेक्ट लिख दिया गया इसलिए इसको हमने थोड़ा सा कट भी कर दिया है। वैसे ये सही है, केवन इक्वल टू हमने यहाँ पुट किया था सी अपॉन एन बी ए, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो हमने क्या किया, के इक्वल टू पुट कर दिया कितना दोस्तों सी टी अपॉन टू पाई बी एन ए, टोटल कैपिटल के ले लिया। तो यहां से क्यू इक्वल टू हो जाएगा के थीटा वन। अब ये जो के की वैल्यू है सी टी अपॉन टू पाई बी एन ए, ये कांस्टेंट है जिसको हम करंट रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं, और अर्थात इसका मतलब कि करंट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्विनोमीटर में उसके लिए जो करंट रिक्वायर्ड है वो वैल्यू शो करता है। इसको हम कांस्टेंट ऑफ बैलिस्टिक गैल्विनोमीटर भी कहते हैं या इसको बैलिस्टिक रिडक्शन फैक्टर भी कहते हैं। दोस्तों इसमें कुछ ऊपर इक्वेशन दिए हुए हैं जिनको हम डिटेल में आपको बताएंगे, हम वहां पे नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं, अब उसका हम बताएंगे कि वो इक्वेशन कैसे आए हैं, आप देखते रहिए। इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम होगी वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम होगी इक्वेशन टू में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि टार्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी लारेंज फोर्स से। यहां हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम एल अपॉन टी, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी बी, और इसको लिख सकते हैं एल इंटू डी, एल इंटू डी हो जाता है लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो जाएगा आपका एरिया। तो इस तरह से टार्क का फार्मूला हो जाएगा आई बी ए। अब यदि नंबर ऑफ टर्न से कॉपर वायर के नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर मटेरियल में एन है तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा एन आई बी ए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी दोस्तों आपको इक्वेशन फाइव ए में। तो हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के इक्वेशन के अकॉर्डिंग
कि एफ इक्वल टू होता है डीपी अपॉन डीटी, यहां से डीपी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डीटी। डीपी क्या है दोस्तों, चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट, सॉरी लीनियर मोमेंटम। तो इस तरह से चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है एफ इंटू डीटी। फोर्स इंटू टाइम को हम बोलते हैं इम्पल्स। तो इस तरह से जो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है दोस्तों, वही यहाँ पे हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी। फिर यहाँ पे इंपल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो एंगुलर इंपल्स का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों टॉर्क इंटू डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन 5m है, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया गया है। फिर अगली प्रॉब्लम आपको आई होगी इक्वेशन 6 में। तो दोस्तों इक्वेशन 6 में वर्क इनर्जी थ्योरम का फार्मूला होता है कि चेंज इन काइनेटिक इनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन। अगर किसी भी ट्विस्ट करने में, के ट्विस्ट में जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक इनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन 6 जो है ये वर्क इनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग आया है। तो इस तरह से दोस्तों हो गया आपका कंफ्यूजन। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।